वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल दैट इज रियली रम। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे क्लिप ऑन के लिए आप राइट कैंडिडेट हो या नहीं हो, क्या क्लिप ऑन आपके लिए बेस्ट सुटेबल मेथड है हेयर पैच में या नहीं है, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड करते हैं। होगा क्या मैं क्लिप ऑन के लिए राइट कैंडिडेट हूँ, क्या क्लिप ऑन मेरे लिए सुटेबल मेथड है, तो मैं ये आपको भी बता देता हूँ। क्लिप ऑन उन सब के लिए सुटेबल है जिनके नीचे एक्जिस्टिंग हेयर्स अभी हैं, बचे हुए डिसाइडिंग पार्ट इतना ज्यादा नहीं गया है, तो क्लिप ऑन उनके लिए सुटेबल अच्छी तरीके से। लाइक बिगिनर्स जिनके अभी अभी झड़ना स्टार्ट हो रहे हैं, जिनके अभी भी डिसाइडिंग होना स्टार्ट हो रहे हैं, पीछे अभी बाल झड़ने स्टार्ट हो रहे हैं, क्लिप ऑन उनके लिए सुटेबल है। क्लिप ऑन उनके लिए सुटेबल है जिनके बाल एडजस्टिंग अभी है, नीचे से ग्रोथ अच्छा कर देते हैं, उनके लिए नीचे क्लिप्स उसमें अच्छी तरीके से अटैच हो जाएंगे। क्लिप ऑन के लिए यही लोग ज्यादातर सुटेबल है। और एक चीज और, क्लिप ऑन के लिए एक मैंडेटरी कंडीशन ये भी रहती है कि आपके साइड से आपके बैक के जो हेयर्स हैं उनकी वॉल्यूम उनकी डेंसिटी हैवी होनी चाहिए। अगर आपके साइड के और बैक के हेयर्स लाइट हैं, उनके वॉल्यूम लाइट है, उनका कम डेंसिटी है, तो आप क्लिप ऑन के लिए सही कैंडिडेट नहीं है। क्लिप ऑन के लिए वही सही कैंडिडेट है जिनका साइड के और बैक के हेयर्स की डेंसिटी वॉल्यूम अच्छी है, क्योंकि क्लिप को उस पर होल्ड कराने के लिए, क्लिप को क्लिप ऑन करने के लिए तो हेयर्स मैंडेटरी है, तो ये कंडीशन भी इसमें मैंडेटरी होती है। अगर ये कंडीशन आपका है तो आप क्लिप ऑन के लिए कैंडिडेट हो, अगर नहीं है तो ये क्लिप ऑन आपके लिए सुटेबल कंडीशन नहीं है। सेकंड क्वेश्चन ये भी रहता है काफी लोगों का कि क्या क्लिप ऑन सेफ है मेथड, इज इट सेफ टू यूज, तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ये बहुत ही इजी मेथड है, सबसे इजीएस्ट मेथड क्लिप ऑन मेथड होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आप रिमूव कर सकते हैं अपने पैच को, और रिमूव भी तब करेंगे जब आप खुद करेंगे, अपने आप रिमूव नहीं होता है। आप बाइक चलाइए, बाइक राइड करिए, चाहे आप हवा बहुत तेज चल रही हो उसमें आप खड़े होइए, आप नहाइए, आप सोइए, कोई इशू नहीं है, सरफेस से अपने आप नहीं निकलेगा, आपको रिमूव इसे करना पड़ेगा। तो ये 100% से सिक्योर मेथड है, ना ही सरफेस से हटेगा ना आपको कोई हार्म करेगा। दूसरी बात, सिर्फ क्लिप ऑन ही सेफेस्ट मेथड नहीं है, इसमें हमारे जितने भी इसमें प्रोसीजर्स होते हैं, चाहे वो फिक्सिंग हो, चाहे वो टेपिंग हो, चाहे वो क्लिप ऑन हो, तीनों मेथड बहुत ही सेफ एंड सिक्योर है। कोई भी आपके स्किन पे हार्म नहीं होता है, कोई भी केमिकल आपको प्रोसेस, कोई भी आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी, तीनों मेथड में ही कोई परेशानी होनी नहीं होगी। लेकिन कंपैरिजन टू दैट क्लिप ऑन आपका सबसे इजीएस्ट मेथड है, आप इसको अपने आप रिमूव कर सकते हैं, आप इजीली घर पे भी इसे मेंटेन कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं आएगा, कोई हार्म नहीं आएगा। बात करते हैं क्लिप ऑन मेथड के प्रोज और कॉन्स का, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस का। फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांटेजेस की बात करें क्लिप ऑन मेथड के, तो क्लिप ऑन मेथड सबसे इजीएस्ट वे है यूज करने का, आप उसे कभी भी हटा सकते हैं, कभी भी लगा सकते हैं, आप फ्रीली उसे मेंटेन कर सकते हैं, मेंटेनेंस उसकी कॉस्ट ज्यादा नहीं होती। और तीसरी चीज, आप उसकी लाइफ बढ़ जाती है पैच की, पैच अगर आप क्लिप ऑन में यूज करें तो पैच की नॉर्मली लाइफ 8 से 10 महीने 12 महीने जो होती है वो आप मैक्सिमम आप 14 मंथ्स एक सवा साल डेढ़ साल तक भी चला सकते हैं पैच को। तो क्लिप ऑन मेथड में आपकी हेयर पीस की, आपकी हेयर पैच की लाइफ। तो गाइस बात करते हैं इसके कॉन्स की, इसके डिसएडवांटेजेस की। तो गाइस हम आपको यही सजेस्ट करते हैं कि आप इसे लगा के स्विमिंग ना करें, कर सकते हैं आप इसे लगा के स्विमिंग वगैरह भी कर सकते हैं, बट हम यही सजेस्ट करते हैं कि आप इसे लगा के स्विमिंग ना करें, बिकॉज स्विमिंग करते टाइम हमारे हेयर टेक्सचर को थोड़ा गीले हो जाते हैं, वो स्लिप करने लगते हैं, तो ये आपके सरफेस से हट भी सकता है। क्लिप्स वैसे इतने स्ट्रांग होते हैं, होल्ड उनका इतना स्ट्रांग होता है कि जब तक आप उन्हें खोलेंगे नहीं अंदर से बाल उसके निकलेगा नहीं, बट फिर भी हम यही सजेस्ट करेंगे आप अगर स्विमिंग वगैरह करते हैं तो स्विमिंग उसे उतार के ही करें, और उसका अच्छे से आप मेंटेन भी कर सकते हैं, उसके बालों में क्लोरीन वगैरह नहीं लगेगा, क्योंकि पूल में आपको भी पता है क्लोरीन होते हैं, तो ये आपके हेयर्स को डैमेज कर सकते हैं। रूटलेस हेयर होते हैं, होते ह्यूमन हेयर ही, जैसा मेरा बाल है, मेरे बालों का टेक्सचर है, मेरे ह्यूमन हेयर है, मेरे एक्जिस्टिंग बाल हैं, अभी बाल बचे हुए हैं, तो इन्हीं बालों का टेक्सचर ही वही बाल होते हैं, वो भी आप जैसे आपके एग्जिस्टिंग हेयर्स होते हैं, नीचे नेचुरल हेयर होते हैं, वही बाल ही उसमें हेयर पैच में होता है, तो लेकिन रूटलेस होता है, इसलिए आपको उसको नरिशमेंट आपको ही देना पड़ेगा। तो कॉन्स में आप, मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप उसे लगा के स्विमिंग ना करें, कर सकते हैं बट हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप ना। सेकंड पॉइंट है, आप उसे लगा के सोए ना, क्योंकि सोते टाइम वो स्टेनलेस स्टील के क्लिप्स होते हैं, वो थोड़ा सा आपको पेनिट्रेट कर सकते हैं, तो हमारा सजेशन यही रहता है कि आप उसे लगा के मत सोए, आप उसे उतार के सोए। उससे दो चीज में बेनिफिशियल है कि एक तो आपके पैच के बाल श्रेड नहीं होंगे ज्यादा,
क्योंकि सोते टाइम सबसे ज्यादा बाल श्रेड होते हैं बालों के। फिक्सिंग में क्या होता है, वो आपके सर पे लगा रहता है, आप उसे हटा नहीं सकते, तो वो आप सोते टाइम कैसे भी इजीली सो सकते हैं। बट क्लिपिंग में वो आपके क्लिप्स स्टेनलेस स्टील के होते हैं, वो क्लिप आपके नीचे के बालों में अटके रहते हैं, तो सोते टाइम थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। थर्ड पॉइंट ये है कि जब आप बाइक राइड करते हैं, बाइक राइड करते हुए हमेशा हेलमेट आप वेयर करते हैं और करना भी चाहिए, तो हेयर पैच लगाने के बाद क्लिप-ऑन्स में आप उसे इजीली आप हेलमेट वेयर कर सकते हैं। बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब आप हेलमेट उतारते हैं तो आप हमारे रियल हेयर भी थोड़े से ऐसी हो जाते हैं। आप अगर क्या बोलते हैं, आप अगर घर से स्टाइलिंग करके गए या अच्छे से एयर पफ बना के गए तो वो थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा। तो आपको यही है, जब हेलमेट उतारे तो थोड़ा सा एक बार हाथ लगा के मार दे या थोड़ा सा उसे रीस्टाइलिंग कर दे तो आपका हेयर स्टाइल दोबारा वापस आ जाएगा। एक्चुअली नेचर तो उसका ह्यूमन हेयर जैसे ही, लेकिन होता है हेयर पैच है, क्योंकि नेचुरल हेयर होते हैं वो रूटलेस हेयर होते हैं, तो नेचर भी उनका नेचुरल हेयर जैसा ही होता है। तो जैसे हेलमेट लगा के आपके मेरे नेचुरल हेयर नीचे बैठ जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं, ऐसे ही उनके हेयर पैच के भी हेयर नीचे फ्लैट हो जाते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है, हेलमेट उठाते टाइम, हेलमेट उतारते टाइम आपको एक बार अच्छे से सेट कर लेना, अच्छे से पोस्चर उसका सही बना लेना, तो दोबारा से रीस्टाइल होकर अच्छे से आपको लुक दे। तो आपको ये तीन चीजें याद रखनी है कि कॉन्स में यही है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई डिसएडवांटेज नहीं है, बस यही इसके कॉन्स है और ये प्रॉस है। दोस्तों इस वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि क्लिप ऑन मेथड एक इजी मेथड है, बहुत ही इजी टू यूज है। दूसरा, मेंटेनेंस इसका कुछ नहीं है, मेंटेनेंस कॉस्ट इसका कुछ नहीं है, आपको किसी हेयर रिप्लेसमेंट सेंटर पे भी जाने की जरूरत नहीं है। क्लिप ऑन के बाद आप घर पे भी अच्छे से मेंटेन इसे कर सकते हैं, इजिली आप इसे यूज कर सकते हैं। और तीसरी चीज, ये बहुत ही पैच को आपके लाइफ बढ़ा देता है, आपके पैच की एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा देता है, उसका लुक एक मेंटेन रहता है। और ये भी क्वेश्चन रहता है लोगों का कि क्या क्लिप ऑन में मुझे वही फिक्सिंग वाला नेचुरल लुक मिल सकता है या नहीं मिल सकता, तो मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ, क्लिप ऑन में बहुत अच्छा आपको लुक मिल सकता है। जैसा आप फिक्सिंग में लुक देखते हैं कि एकदम अच्छे से हेयरलाइन भी अच्छे से दिख रही है और पीछे से भी बहुत अच्छे से फिक्स हो चुका है, वो सेटल डाउन हो चुका है, वही क्लिप ऑन में भी हो जाता है। तो ऐसा आप टेंशन मत लीजिए कि क्लिप ऑन में आपको लुक अलग मिलेगा या स्टाइलिंग अलग मिलेगी, सेम स्टाइलिंग सेम लुक आपको उसमें आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट नेचुरल हेयर्स की तरह ही वो आपके लगेंगे, तो आप इसकी टेंशन मत लीजिए। और तीसरी चीज सर, हम अपनी चैनल पे रोज ही अब कंटेंट आपके लिए, नई नई कंटेंट, नई नई वीडियोस रोज ही लेके आने वाले, डेली वीकली मंथली आपके पास ये चैनल आपको प्रोवाइड करता ही रहेगा इन्फॉर्मेशन। हम आपके चैनल पे एक चीज और कर रहे हैं, आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिए, आप अपनी कोई स्टोरी हेयर पैच से रिलेटेड हमारे साथ शेयर करिए, हम अपने चैनल पे उसे फीचर करेंगे, हम दिखाएंगे आपके एक्सपीरियंस से ही हम अपने चैनल को ग्रोथ करना चाहते हैं। तो आप अपना प्यार हम पे बरसा के रखिए, आपका कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस हो पोस्ट पैच या पैच से पहले, तो आप हमें बता सकते हैं, जो आपका एक्सपीरियंस होगा, जो आपकी स्टोरी होगी, उससे हम लोगों को इंस्पायर करें, उससे हम लोगों को नॉलेज प्रोवाइड कर सकें हेयर पैच से रिलेटेड। और जिन जिन को ये इश्यू फेस करते हैं लोग, जो क्रिटिसाइज फेस करते हैं क्रिटिसिज्म, उसे दूर कर सके, उसके लिए एक नॉलेजेबल एक वीडियो बना सके, कंटेंट आपको दे सके, तो प्लीज हम यही चाहते हैं कि आप हमारे साथ अपना नॉलेज, हमारा अपना एक्सपीरियंस और अपनी स्टोरी शेयर करें, कंटेंट में जाके करिए, नहीं तो राइट डाउन इंस्टाग्राम आईडी मेरी यहाँ साइड में आ रही होगी, आप उस पर भी जाके कर सकते हैं शेयर, हम अपने वीडियोस पे आप अपने चैनल पे भी आपका वीडियोस डालेंगे, आपकी इंस्पायरिंग स्टोरी डालेंगे और लोगों को इंस्पायर करेंगे। सो सर, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हिट अ लाइक, अगर आप इस चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें लिख सकते हैं, मैं सारे कमेंट होगा पर्सनली जवाब देता हूँ, पर्सनली रिप्लाई करता हूँ। तो आप जल्दी से जल्दी जो भी क्वेरी है पूछिए, अगर आपको हेयर पैच की रिक्वायरमेंट है तो हमारे एड्रेस वगैरह भी नीचे हैं, हमारे नंबर्स आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, एनी टाइम कॉल करिए। आपको अगर हेयर पैच की रिक्वायरमेंट है हमारे सेंटर पे आइए, हम आपको प्रोवाइड भी करेंगे, डेमो भी दिखाएंगे। और दूसरी चीज, आप जब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे उस हेयर पैच से, तब तक उससे पहले पेमेंट नहीं है, हम जब तक आपको सेटिस्फेक्शन ना दे तब तक आपसे पेमेंट नहीं देंगे, ये हमारा वादा है आपसे। तो आप आइए अच्छे से सेटिस्फाई होके, अपना हेयर स्टाइल, अपना प्रेफरेबल लुक लेके जाइए, बना के जाइए, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करके जाइए, हमारा यही आपसे। तो आइए आप, थैंक यू।